हेलो भाई, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड दो वर्षीय प्रोग्राम है, हम आज की इस वीडियो में जो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम है, पेपर कोड E-103, पेपर का नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास ग्रोमिंग अपेज लर्नर। उसके अंतर्गत हम अपनी यूनिट फर्स्ट के में, हमारी जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हमारे आज के चैप्टर का नाम है मानव विकास, उसका सामर्थ्य एवं विकास की अवस्थाएं। जो मानव विकास है उसका सामर्थ्य एवं विकास की अवस्थाएं, ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सो गाइस, टुडे माय टॉपिक इज विकास प्रक्रिया का महत्व, यानी कि जो मानव का विकास होता है उसकी जो प्रक्रिया है उसका क्या महत्व है, हम उसे इस प्रकार देख सकते हैं। इन सभी के बारे में हम अपनी आज की इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। हमारा आज का ये टॉपिक रहेगा इंपोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि जो विकास की प्रक्रिया है, विकास प्रक्रिया का क्या महत्व है, यानी कि क्या इंपोर्टेंस है। हम देखते हैं व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया नैसर्गिक, स्वाभाविक और प्राकृतिक है। यह जो मानव है इस धरती पर जन्म लिया है उसका जो विकास है वह नैसर्गिक है और प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, यानी कि होना ही होना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। यानी कि जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसका जो विकास है उसे कोई भी नहीं रोक सकता, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई इसके बीच में रुकावट नहीं पैदा कर सकता। गर्भ अवस्था से बालक का विकास क्रम प्रारंभ हो जाता है। यह बात सभी को पता है कि जब बालक गर्भावस्था में होता है तो उसका जो विकास है उसी समय से प्रारंभ हो जाता है। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक विकास की गति अत्यधिक तीव्र होती है, यानी कि जो बालक का विकास होता है वह जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बहुत ही तेजी के साथ बढ़ता है। किशोरावस्था के पश्चात विकास की गति में इतनी तीव्रता नहीं रहती तथा मृत्यु तक यह विकास क्रम थोड़ा बहुत किसी न किसी रूप में होता ही रहता है, गतिशील रहता है। व्यक्ति के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी विकास प्रक्रिया पर समुचित ध्यान दिया जाए, यानी कि जो व्यक्ति है उसका जो विकास की प्रक्रिया है उसके लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि उसकी जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान दिया जाए। अगर हम उस व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देंगे तो उसका विकास अवरुद्ध भी हो सकता है, रुक भी सकता है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में उसे इस प्रकार का शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक आदि विकास पूरी प्रकार से हो सके। यानी कि व्यक्ति के जन्म लेने के बाद यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें बालक को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे उसका सही प्रकार से सामाजिक, शारीरिक, संवेदनात्मक विकास हो सके। विकास के विभिन्न सिद्धांतों और अवस्थाओं का ज्ञान माता पिता और शिक्षक के लिए बड़ा उपयोगी है। बिना विकास की जो सिद्धांत है, उनकी जो अवस्थाएं हैं, उनका जो ज्ञान है, अगर माता पिता को या शिक्षक को नहीं होगा तो उस कंडीशन में बालक के व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए माता पिता को यह देखना होगा कि उनमें बालक को उचित वातावरण प्राप्त हो, यानी कि उसे उचित वातावरण प्रदान
भोजन मिले, अच्छी संगति मिले, उसे खेलने की स्वतंत्रता हो, उसे उचित मात्रा में स्नेह प्राप्त हो। यह नहीं कि हम बालकों को हर समय कठोरता के साथ ही पेश आए, उनको डांटते धमकाते रहे, फटकार लगाते रहे, नहीं, हमें उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि उनका विकास सही प्रकार से हो सके। उनके संवेगों का दमन न होने दे और उनमें पराजय भावना, अंतर्द्वंद और हीनता की भावना का विकास न हो। यानी कि हमें ऐसा चाहिए कि उनके अंदर किसी भी इस प्रकार की भावना का विकास न हो पाए। हमें किसी प्रकार का वातावरण बालक को देना चाहिए, तभी उस बालक का जो विकास है वह सही प्रकार से होगा। मनोवैज्ञानिकों की यह धारणा है कि बालक के गति, विकास, भाषा संबंधी कौशलों तथा विभिन्न संवेदनात्मक प्रवृत्तियों पर परिवार तथा समाज के वातावरण का भारी प्रभाव पड़ता है। यानी हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, वह इस बात को कहते हैं कि हमारा जो समाज है, हमारे जो परिवार का या आस पड़ोस का वातावरण है, उन सभी का बालक के विकास पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा वहां का वातावरण होगा, बालक का विकास भी उसी कंडीशन में होगा। माता पिता के लिए बालक की विकास प्रक्रिया का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। यानी कि जो माता पिता होते हैं, उनको तुम जो बालक की विकास प्रक्रिया है उसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे वह यह ध्यान रख सके कि उनका बालक विकास की किसी अवस्था में पिछड़ तो नहीं रहा है। यानी कि अगर माता पिता को अपने बालक की अवस्थाओं के बारे में ज्ञान ही नहीं होगा, तो उनका बालक किसी ना किसी अवस्था में जो उसकी विकास की प्रक्रिया है उसमें पिछड़ जाएगा। इसीलिए माता पिता को यह आवश्यक है कि वह विकास की सभी अवस्थाओं का ज्ञान रखे, जिससे वह अपने बालक के जो उनका बालक है उसका जो विकास है सही प्रकार से सुचारू रूप से हो सके और किसी भी अवस्था में वह दूसरे बालकों से पीछे न रह जाए। शिक्षा का मुख्य कार्य बालक के विकास में सहायता देना है। यानी कि हमारी जो शिक्षा है उसका जो मुख्य कार्य है वह यही है कि वह बालक के विकास में सहायता प्रदान करे। शिक्षक को बालक के विकास की अवस्थाओं को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। विकास के सिद्धांतों और अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान होने पर ही शिक्षक बालक में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने पाठ्यक्रमों की व्यवस्था कर सकता है। यानी कि अगर किसी शिक्षक को बालक की अवस्थाओं के बारे में ज्ञान ही नहीं है, वह उनके बारे में जानता ही नहीं है, तो उनके अनुसार वह पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक शिक्षक को जो विकास की अवस्थाएं हैं उनका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिसके लिए वह बालकों के परिवर्तनों के अनुसार अपना जो पाठ्यक्रम है उसकी व्यवस्था कर सके। सहभागी क्रियाओं का आयोजन कर सकता है, यानी कि उसी के आधार पर वह सहगामी क्रियाओं का आयोजन कर सकता है और अपनी शिक्षण पद्धति को विकसित कर सकता है। उदाहरण के लिए एक शैशवावस्था के बालक की शिक्षण पद्धति किशोरावस्था के बालक की शिक्षण पद्धति से भिन्न होगी। यानी कि अगर हम ये चाहें कि जो बालक 6 से 12 वर्ष की आयु का है, अगर हम उस बालक को 12 से 18 वर्ष की आयु के बालकों की शिक्षण पाठ्य वस्तु दे रहे हैं, तो क्या वह उसे पूरा कर पाएगा? नहीं, वह उसको नहीं पढ़ पाएगा। इसीलिए शैशवावस्था के बालकों की शिक्षण पद्धति किशोरावस्था के बालकों की शिक्षण पद्धति से अलग होती है। विकास की अवस्थाओं से परिचित शिक्षक ही अनुकूल शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग कर सकता है। अगर कोई शिक्षक विकास की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में नहीं जानता, तो वह अनुकूल शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग नहीं कर पाएगा, जिस और उससे जो बालक है, जो
छात्र है वह अपनी ही शिक्षण में पिछड़ जाएंगे। 12 वर्ष की आयु वाले बालक का पाठ्यक्रम 5 वर्ष की आयु वाले बालक के पाठ्यक्रम से भी भिन्न होता है। यानी कि जो पाठ्यक्रम 5 वर्ष की आयु के बालक का है उसे हम अगर 12 वर्ष की आयु के बालक पर लगाए तो वह उस पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी समाप्त करके अपना ध्यान इधर उधर लगाने लगता है। और अगर हम 12 वर्ष के आयु वर्ग के बालक का पाठ्यक्रम 5 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों पर लगाया जाए तो वह बालक यानी कि वह पाठ्यक्रम उन बालकों के लिए बहुत ही कठोर होगा और वह उसमें आगे नहीं चल पाएंगे और उस पाठ्यक्रम से कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वह जो पाठ्यक्रम है उनके जो बौद्धिक स्तर है, उनका जो मानसिक स्तर है, आयु स्तर है, उससे बहुत ही ऊपर है। वह और भी ज्यादा पिछड़ जाएंगे और कुंठित हो जाएंगे। इसलिए विकास के सिद्धांतों से परिचित शिक्षक ही उनके अनुकूल पाठ्यक्रम का अध्ययन करा सकता है। बाल विकास की गतियों की जानकारी रखने वाला शिक्षक ही बालकों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के अनुकूल सहगामी क्रियाओं का आयोजन कर सकता है और उनके विकास स्तर और सामाजिक विकास के अनुकूल सहगामी क्रियाओं का आयोजन कर सकता है। अतः यह बात स्पष्ट है कि विकास के विभिन्न सिद्धांतों और अवस्थाओं के ज्ञान से ही शिक्षक का दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक और गत्यात्मक हो सकता है। अगर कोई शिक्षक बालकों के अवस्थाओं का ज्ञान नहीं रखता तो उसका जो दृष्टिकोण है वह मनोवैज्ञानिक नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रत्येक शिक्षक को बालकों की जो अवस्थाएं हैं, अलग अलग आयु वर्ग में किस किस प्रकार की अवस्था है, कैसी कैसी है, किस प्रकार उनका विकास होगा, उन सभी का एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अभिवृद्धि और विकास हमारा नया पॉइंट है, अभिवृद्धि और विकास। इसके अंतर्गत हम अभिवृद्धि का अर्थ जानेंगे। अभिवृद्धि का अर्थ व्यक्ति की शैशव अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक शरीर के विभिन्न अंगों के आकारों में परिवर्तन के साथ साथ शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा भार भी परिवर्तित होता रहता है। जब से व्यक्ति जन्म लेता है यानी कि उसके जन्म से लेकर अब उसकी मृत्यु तक या शैशव अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक यानी कि जन्म के बाद की जो अवस्था होती है उसको हम शैशवावस्था कहते हैं और प्रौढ़ावस्था होती है वृद्धावस्था होती है उसको कहते हैं। उसका जो शरीर है उसकी जो लंबाई, चौड़ाई, भार है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। व्यक्ति के शरीर की रचना में परिवर्तन होने का सर्व प्रमुख कारण बाह्य वातावरण से अंतःक्रिया करना है। यानी कि हमारा जो बाह्य वातावरण है उससे हम अंतःक्रिया करकर ही अगर हमारा वातावरण सही होगा तो हमारा जो विकास है वह भी सही प्रकार से होगा, अगर वह खराब होगा तो हमारा विकास भी खराब ही होगा। व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं का निर्माण एवं वितरण सामाजिक वातावरण, भोजन तथा जलवायु आदि के प्रभाव स्वरूप होता रहता है। हमारी जो कोशिकाएं हैं उनका जो विकास है उसका भी जो निर्माण है वह सामाजिक वातावरण तथा भोजन, जलवायु आदि के प्रभाव को
ही होता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति के शरीर में कभी लंबाई चौड़ाई तथा एवं भार में वृद्धि होती है तो कभी उनका विघटन होता है, यानी कि कभी वह चीज बढ़ती है और कभी घटती है। व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि को मापा जा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति जो होता है उसकी जो शारीरिक वृद्धि है उसको हम माप सकते हैं, यानी कि उसकी लंबाई को चौड़ाई को उसके भार को इन सभी को हम माप सकते हैं। अतः वृद्धि व्यक्ति के शरीर से संबंधित होती है, जैसा व्यक्ति का शरीर होगा उसी प्रकार से उसकी वृद्धि होगी, या जिस प्रकार का व्यक्ति को वातावरण खान पान जलवायु प्राप्त होगी उसी के आधार पर उस व्यक्ति की वृद्धि होगी या विकास होगा, वृद्धि होती है। यदि पुरुष की अपेक्षा व्यक्ति के शरीर की लंबाई चौड़ाई और भार में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी होती है तो उसे आम वृद्धि कहा जाता है, यानी कि उसे थोड़े प्रकार से अगर किसी भी प्रकार की वृद्धि होती है तो उसे आम वृद्धि कहते हैं। हमारे सोरेनसन महोदय हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है, ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो। सोरेनसन के अनुसार सोरेनसन महोदय कहते हैं हमारे जो सोरेनसन महोदय हैं उन्होंने यही बात कही है कि हम अभिवृद्धि को का जो आशय है केवल उसी से लगा सकते हैं जिसका शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार आकार की दृष्टि से वृद्धि होती है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जो शरीर है उसका जो आकार है वह बढ़ रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, उसके भार में वृद्धि हो रही है, उसे ही हम अभिवृद्धि कह सकते हैं और जिसका मापन किया जा सकता है, यानी कि हम लंबाई चौड़ाई और भार का मापन कर सकते हैं, लंबाई को नाप सकते हैं चौड़ाई को नाप सकते हैं और भार को तोल सकते हैं, इसीलिए हम इसे अब यानी कि अगर किसी भी प्रकार से वृद्धि होती है तो उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। फिर है विकास का अर्थ। नेक्स्ट है हमारा विकास का अर्थ। ये तो हमने अभिवृद्धि का अर्थ जाना, अब हम विकास का अर्थ जानेंगे। अभिवृद्धि का अर्थ सिंपल है, मानव शरीर के शरीर के अंगों का बढ़ना, यानी कि उसकी लंबाई बढ़ना उसकी चौड़ाई बढ़ना उसके भार में वृद्धि होना जो हुआ है अगर इस प्रकार से हो रहा है जिसका हम मापन कर सके उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। अभी हमारा है विकास का। विकास शब्द परिवर्तन का द्योतक है, यानी कि जो विकास शब्द है वह परिवर्तन का द्योतक है। व्यक्ति में यथा समय होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है, यानी कि जो मानव के शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं उन्हें हम विकास कहते हैं। विकास के अंतर्गत व्यक्ति में मानवीय सामाजिक संवेदनात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित किया जाता है, अर्थात व्यक्ति में होने वाले समस्त परिवर्तनों को विकास कहा जाता है, यानी कि एक व्यक्ति में जितने भी परिवर्तन होते हैं उन सभी को विकास कहा जाता है, यानी कि उसके शारीरिक संभाव संवेदनात्मक परिवर्तन हो सामाजिक परिवर्तन हो मानसिक परिवर्तन हो उन सभी को हम विकास कहते हैं, यानी कि व्यक्ति के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक
किसी ना किसी प्रकार का थोड़ा या ज्यादा विकास होता ही रहता है। व्यक्ति में होने वाले परिवर्तनों पर व्यक्ति निम्नता का प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होते हैं उन सभी पर व्यक्ति की जो व्यक्तिक निम्नताएं हैं उन सभी का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के विकास में एक निश्चित दिशा होती है अथवा परिवर्तन एक निर्धारित क्रम की दिशा में होता है। यानी कि यह बात हम करने वाली है कि व्यक्ति का जो विकास है उसमें जो परिवर्तन होता है वह एक निर्धारित क्रम की दिशा में होता है। विकास के अनंतर व्यक्ति सतत रूप से परिपक्वता की दिशा में बढ़ता रहता है। यानी कि जो मनुष्य का जो विकास होता है वह बाल्यावस्था से लेकर परिपक्वता की ओर बढ़ता रहता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की विभिन्न विशेषताओं में विभिन्न गुणात्मक परिवर्तनों को देखा जा सकता है। यानी कि जो व्यक्ति होता है जैसे जैसे उम्र के हिसाब से वह बढ़ता है उसमें गुणात्मक परिवर्तन होते चले जाते हैं। जब कोई बालक छोटा होता है तो वह अलग अलग प्रकार की जिदें करता है कि मुझे ये चाहिए, रोता है, जाता, लेकिन जैसे धीरे धीरे वह बड़ा होता है उसमें समझ आनी शुरू हो जाती है और वह अच्छे बुरे का फर्क जान लेता है और अपनी जिदें छोड़ देता है। यानी कि इन सभी चीजों को हम परिवर्तन ही कह सकते हैं। यानी कि जो विकास में इस प्रकार से ही विकास में परिवर्तन होते हैं। विकास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। हमारा जो विकास के परिवर्तन है उनके अंतर्गत हम निम्न परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं जो हमने अभी आपको बताए। और ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। यानी कि जो इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन एवं गुणात्मक परिवर्तन। यानी कि जो विकास में परिवर्तन होते हैं जैसे कि सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन विकास के अंदर होते हैं। ये सब दो प्रकार से होते हैं, नंबर एक मात्रात्मक, नंबर दो गुणात्मक। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं। हमारा जो नया टॉपिक होगा अब अभिवृद्धि और विकास में अंतर, यानी कि हमारी जो अभिवृद्धि है जिसका अभी हमने जाना और विकास है उसका भी हमने जाना, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, यानी कि इन दोनों के अंदर क्या अंतर है, उन सभी को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।